दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बिजली कर्मचारी गायब हैं, जनता परेशान है। अब बिजली कर्मचारियों को किस बात की सैलरी मिलती है जब वो जनता की शिकायत का समाधान ही नहीं कर रहे हैं और दफ्तर में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए हैं। ये लोग देखिए डी ब्लॉक से आए हुए हैं। और आइए सबसे पहले देख लेते हैं बिजली कर्मचारी हैं कि नहीं, उसके बाद इनसे बातचीत भी कर लेंगे। देखिए जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो शिकायत का समाधान कौन करेगा। ये देखिए भाई पंखा वंखा तो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, कोई कर्मचारी नहीं है। कंप्लेंट रजिस्टर है भाई, आप लोगों ने लिख दिया कंप्लेंट इसमें? आप लोगों ने कंप्लेंट लिख दिया इसमें भाई साहब? कंप्लेन लिख दिया इसमें आप लोगों ने? कई लोगों ने ऑनलाइन भी रजिस्टर किया। आज की लिख दी कि नहीं? आज की भी लिख दी, आज भी लिख रखी है। आज की लिखे हो कंप्लेन भैया किसी ने? कौन सी कंप्लेन है? आपने कंप्लेन इसमें जरूर लिखना है, अगर नहीं भी लिखे हो तो कंप्लेन जरूर लिखो। अब बिजली कर्मचारी, एक मिनट दिखाओ, ये आपकी है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, राधेश्याम ने लिखी है, आप में से है कोई राधेश्याम? एडी स्कूल के पास चर्च के सामने बिजली नहीं है, है? लाइट नहीं आ रही है और 16/8/2023 की कंप्लेन है, यानी आज की ही कंप्लेन है। तो आप लोग देख रहे हैं कंप्लेन हो चुकी है भाई, बिजली वाले तो कोई है ही नहीं है, गायब हैं। फोन ऑन लग रहा है इनका, फोन वगैरह लग रहा है? आइए वहाँ पर चलते हैं, लाइट में बातचीत करेंगे। देखिए सबकी परेशानी है और बिजली विभाग वालों को सैलरी बढ़िया अच्छी खासी मिलती है। इधर आ जाओ भाई, कम जो है यहीं बातचीत करेंगे। इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। पूछते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी है, कब से परेशानी है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है सर? साहिल पाल नाम है जी। कहाँ से आए हैं आप लोग? इधर डबुआ कॉलोनी एडी स्कूल के पास से। एडी स्कूल के पास? बिजली कब से नहीं आ रही भाऊजी? एक बजे, दिन में एक बजे से बिजली नहीं आ रही और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। रिपेयरिंग का काम 6 बजे से बंद है, उसके बाद से अब 9 बजने को आ रहे हैं, तो अभी तक कोई लाइट नहीं आ रही। अच्छा, हाँ जी। किस बात की रिपेयर हुई भाई साहब? भाई साहब नए खम्भे डले हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि कोई भी मेंटेनेंस का काम होता है वो ठंडे टाइम पे होता है ना, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कब तक सफर करेंगे बताओ। तो बिजली नहीं आ रही मतलब? हाँ जी बिल्कुल, काम चल नहीं आ रही और कोई बिजली विभाग का कोई कर्मचारी फोन नहीं उठा रहा। दिन में आई थी कि नहीं लाइट? दिन में 1 बजे के बाद से कोई लाइट नहीं आई। 1 बजे के बाद से लाइट नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, और आप कह रहे थे पहले से दिक्कत आ रही? भाऊजी ये दिक्कत हमेशा से चलती आ रही है, इनको कई बार बोल दिया कि या तो लोड बढ़ा दो या कुछ कर दो। अब बताओ हम तो बिजली का बिल ही भर सकते हैं ना, ये सारी मेंटेनेंस का काम, सारी देखरेख तो इन्होंने बिजली विभाग ने करनी है, या हम थोड़ी जाएंगे खंभे पे ठीक करने। जब भी आओ यहाँ पे, जब भी आओ यहाँ पे कोई दिक्कत ही दिक्कत रहती है, कोई बंदा ही नहीं होता यहाँ पे ड्यूटी के टाइम पे, कोई बंदा ही नहीं है। जेई को फोन मिला लिया, जेई साहब कह रहे कि अभी 1 घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं। एसडीओ को फोन मिलाया, वो कह रहे मैं जेई को फोन करता हूँ। कर्मचारियों के जो कंप्लेन नंबर है वो स्विच ऑफ जा रहे हैं। एक एक गली में चार चार लाइनें डाल रखी है इन्होंने, बाइक एक गली में कहीं पे आपने चार चार लाइनें देखी हैं? चार चार लाइनें एक एक गली में डाली हुई हैं। आप आके देखो एक गली में इन्होंने चार लाइन डाली है, तीसरी लाइन आज डाल रहे हैं हमारी गली में, तीसरी लाइन डाल रहे हैं ऑलरेडी। दो लाइन का जाल बिछा रहे हैं, तारों का जाल बिछा है इस और दोनों साइड, दोनों साइड, इस साइड भी खंबे लग गए, इस साइड भी लग गए, गली से पार होने का रास्ता तक नहीं है। तो देखिए जो भी परेशान है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं। देखिए बिजली से लोग परेशान है, बिजली से ना पंखे चलते हैं, अगर बिजली नहीं है ना टीवी चल रही है, ना पंखे चल रहे हैं, ना लाइट आ रही है, अंधेरे में लोगों को रहना पड़ता है। पानी की मोटर नहीं चलती तो पानी भी नहीं आता, तो ना बिजली ना पानी ना हवा, तो परेशान है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। डबुआ कॉलोनी सी ब्लॉक में ये बिजली दफ्तर है, सी ब्लॉक है भाई साहब ये वाला। आपका कौन सा ब्लॉक है? हमारा बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, गलती से हमने डी बोला था, वो बी ब्लॉक समझिए आप लोग, बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में लाइट नहीं है, डी में भी लाइट नहीं है। चलो डी में लाइट नहीं, चलो ब्लॉक वाले भी यहाँ पे लाइट नहीं सर। आइए सर, आइए आइए आइए। कौन से ब्लॉक में भाई? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में वहाँ भी लाइट नहीं है, 2 घंटे से लाइट नहीं है वहाँ भी। तो आपने भी शिकायत लिख दी वहाँ पर? हाँ शिकायत लिखी हुई है। अब महिलाओं से पूछ लेते हैं कहाँ से आई हैं आप लोग, क्या आप लोग कहाँ से आए हो? बिजली नहीं है या वैसे चाय वाय पिलाने आए हो इनको? अच्छा बता नहीं रहे, शर्मा रही हैं महिलाएं। अरे कौन से ब्लॉक से आए हो ये तो बता दो। डबुआ कौन सा ब्लॉक? कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक से आए हैं, मस्जिद के पास से आए हैं। तो
तो बिजली से ये भी परेशान है। बिजली से जो भी परेशान है बिजली ना आने से, वो यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है जिनकी शिकायतें सुने, समस्याओं का समाधान करे, कोई आश्वासन दे। भाई अगर बिजली नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग? भाऊजी देखो आप क्या करें बताओ, हम वैसे रोड जाम होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे जब तक समर्थन करते हैं वैसे। लेकिन देखो अगर ये जरूरत पड़ी तो सड़क भी जाम लगानी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि हम डेली दफ्तर से आए और यहाँ आके हम यहाँ इनके कंप्लेंट लिखते रहे, तो बस इस तरीके से तो हो लिया काम। अब यहाँ पे बाइक भी खड़ी है और बाइक खड़ी होने के बाद भी बंदा गायब है, उनकी बाइक है। अच्छा बाइक वाइक खड़ी है लेकिन बंदे नहीं है, जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर नहीं है, कहीं इधर उधर होंगे, क्या कर रहे होंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए ताकि वो पब्लिक से डील करे, पब्लिक की समस्याओं का समाधान करे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए, हो सकता है लाइट आ जाए, फोन भी नहीं उठाते। कंप्लेंट नंबर भी लिखा हुआ है कहीं, कंप्लेंट का नंबर लिखा हुआ। अच्छा मेरे सामने डायल कीजिए आप लोग। ये लाइट कैसे बंद हो गई अभी? कंप्लेंट नंबर भी है, दिखाओ कि कंप्लेंट नंबर भी है यहाँ पे। इसको मिलाओ भाई साहब, मिलाओ नंबर, ये देखो आप। हाँ इसको मिलाओ, संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। देखिए जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो स्विच ऑफ है, यानी कोई मतलब नहीं है नंबर का। तो इस तरह की व्यवस्था है फरीदाबाद में, कहते हैं 24 घंटे लाइट है लेकिन कहाँ 24 घंटे है। यहाँ पर लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, पूरी गली वाले परेशान है, मोहल्ले वाले परेशान है, बिजली नहीं है। तो देख सकते हैं बिजली ना आने से कितना बुरा हाल है, गर्मी में कैसे जिए। गरीब लोग आते हैं कि चलो रात में थोड़ा आराम कर लेंगे, सो लेंगे, लेकिन जब लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पंखे नहीं चलेंगे तो कहाँ से आराम कर पाएंगे। सुबह फिर से ड्यूटी जाना, नींद आएगी नहीं रात में, बेचारे परेशान रहेंगे, सुबह फिर से ड्यूटी जाना। तो इनका गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर फूटता है और सरकार पर फूटता है। तो थोड़ा सरकार को ध्यान होना चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो काम नहीं कर रहे हैं, जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, ये लोग परेशान है, कह रहे हैं अगर बिजली नहीं आई तो रोड जाम कर देंगे। हालांकि भाई साहब कह रहे हैं कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारी समस्याओं का समाधान ही नहीं होगा तो गर्मी में कब तक जिएंगे, रोड जाम कर देंगे। हालांकि रोड जाम की नौबत नहीं आनी चाहिए, बिजली पहले ही दी जानी चाहिए। तो बिजली विभाग के दफ्तर में थे सी ब्लॉक में, जो सी ब्लॉक है ये दुर्गा मंदिर के पीछे, शिव शक्ति दुर्गा मंदिर है उसके पीछे ये बिजली दफ्तर है। बाकी डी ब्लॉक में और बी ब्लॉक में बिजली नहीं है। और कहीं बिजली नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। बाकी देखते हैं इनके खिलाफ़ शिकायत की जाएगी सुबह, जो ये कर्मचारी दफ्तर में नहीं है इनके खिलाफ़ शिकायत भी दी जाएगी ताकि ये लोग ठीक से काम करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।